दोस्तों आरडी भरना अब बहुत ही आसान हुआ। आरडी से मीनिंग क्या है? रेक्यूरिंग डिपॉजिट। जिन दोस्तों ने या जिन लोगों ने अपनी आरडी ओपन की हुई है पोस्ट ऑफिस में, उन सभी के लिए ये वीडियो है। बहुत आसान प्रोसीजर हो गया। अब आप आसानी से घर बैठे मोबाइल की सहायता से अपनी आरडी को फिल कर सकते हैं। अभी तक आपको पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होता था, वहां पर जाकर के आरडी भरवानी होती थी। क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आप आसानी से घर बैठे अपनी आरडी जमा कर सकते हैं। तो आरडी जमा करनी सभी दोस्तों के लिए हुई आसान, यही हमारा मेन कंटेंट है। अब समझते हैं, चलते हैं किस प्रकार आप अपनी आरडी फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अपने मोबाइल फोन में आईपीपीबी मोबाइल, ये एक पोस्ट ऑफिस का ही बैंक है, ये आपको ओपन करवाना होगा। ऑनलाइन प्रोसेस से आपका ओपन हो सकता है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। आपका जो अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे इंटरनली, तो वो इंटरनली इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा। इस प्रकार का कंटेंट्स आपके सामने आएंगे। यहाँ पे आपका जितना अकाउंट बैलेंस रहेगा वो दिखाएगा। अकाउंट नंबर लास्ट का डिजिट रहेगा। यहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड है वो रहने वाला है। इसके अलावा ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब आपको अपनी आरडी फिल करने के लिए यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है, इस साइन पे ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस सामने आएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, रेक्यूरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लोन अगेंस्ट रेक्यूरिंग डिपॉजिट, ये सब आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपको फिल करनी है अपनी आरडी। तो यहाँ आरडी पे क्लिक करें, रेक्यूरिंग डिपॉजिट। जैसे रेक्यूरिंग डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा उसमें सबसे टॉप पे लिखा रहेगा आरडी अकाउंट नंबर, नीचे डीओपी कस्टमर आईडी, इसके नीचे इंस्टॉलमेंट अमाउंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये सब लिखे रहेंगे। यहाँ पे आपको जो फिल करना है वो मेनली तीन चीजें फिल करें, आरडी अकाउंट नंबर, डीओपी कस्टमर आईडी, जो कि आपकी सेविंग, जो आप अपना खाता ओपन करेंगे आरडी का उसके अंदर मेंशन रहेगा, आरडी का आपका अकाउंट नंबर मेंशन रहेगा और इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको जितने की आरडी आपने वहां पे ओपन की है, ये सब चीजें शो करेगा। इसके बाद जाएं कंटिन्यू पे। अब यहां पे हम फिल कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको फिल करनी है आरडी का अपना अकाउंट नंबर। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। इसके बाद आपकी कस्टमर आईडी यहां पे फिल करें और इंस्टॉलमेंट अमाउंट जितना आपने आरडी ओपन की हुई है, रिकरिंग डिपॉजिट, वो सब यहां तीनों चीजें फिल कर लें। फिल करने के बाद कंटिन्यू पे जाएं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहां से आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपका नेम शो करेगा। ये जरूर ध्यान दे लें कि आप सिक्योरिटी रीजन से, यहाँ पे अगर आपका नाम करेक्ट शो नहीं हो रहा तो इट मींस वो आपकी पर्टिकुलरली चीजें नहीं है, तो इसलिए ये चीज ध्यान से देखें। अपना नेम यहाँ पे, अपनी कस्टमर आईडी को चेक कर लें क्योंकि ये कंप्यूटराइज शो करेगा। खाता यदि आपका एक्टिव है तो एक्टिव शो करेगा, नहीं होगा तो नॉन एक्टिव शो करेगा। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, रिबेट जीरो, ड्यू अमाउंट जीरो और पेबल अमाउंट, तो पेबल 5,000 है। यदि आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस लगा होता तो वो यहाँ पे शो करता। तो ये सब चीजें आपके सामने शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है पे के ऑप्शन पे। जैसे ही पे के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज जो ओपन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा एंटर ओटीपी, इट मींस ये आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे मोबाइल फोन पे। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे डालना है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ओटीपी जो एक्सपायर होगा वो 3 मिनट के अंदर होगा। 3 मिनट का टाइम रहेगा जो एक बार ओटीपी आएगा। उसके बाद यदि आपका वो एक्सपायर हो जाता है, यदि वो वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है, गलत आपसे डल जाता है, तो रीजनरेट ओटीपी के लिए भी आप अपना क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना ओटीपी फिल कर दिया है जो मोबाइल फोन पे आया था। उस ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे अब मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा तो यहाँ पे दिखाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, पेड अमाउंट आपका जितना भी है वो पेड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन डिटेल सेंड टू द
कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुई है वो आपके मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगी। इस प्रकार आप अपनी आरडी को आसानी से फिल कर सकते हैं, आरडी जमा कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन की सहायता से। बहुत ही इजी हो चुका है, पोस्ट ऑफिस ने बहुत इजी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। थैंक यू दोस्तों।